बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन शवरमा। ये आधा किलो मैंने चिकन लिया है, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चिकन शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून धड़ा मिर्च शामिल करेंगे। वन टीस्पून खुशक धनिया पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 चुटकी फूड कलर, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून मैं थोड़ी देर मैरिनेट करके रख दूंगी। ये 2 टीस्पून ये छोटे वाले घी के शामिल कर लेंगे। 1/2 आंच में मैं थोड़ा भून लूंगी। अब मैंने चिकन का पानी खुशक कर लिया और इसको भून लिया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अब हम बना लेंगे वाइट सॉस, जिसमें मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं, ये 12-14 लहसुन के जवे ले लिए हैं, 2 मैंने प्याज लिए हैं। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर लेंगे। वन टी स्पून काली मिर्च शामिल कर लेंगे पिसी हुई। 1 टीस्पून सिरका शामिल कर लेंगे। 2 टीस्पून मायोनीज शामिल कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। वन टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। अब मैंने व्हाइट सॉस तैयार कर ली है। अब हम रेड सॉस तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं 2 प्याज शामिल करूंगी छोटे साइज के, 8-10 लहसुन के जवे, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून चिली सॉस,
1 टीस्पून धड़ा मिर्च। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये मैंने रेड सॉस तैयार कर लिया है। ये मैंने ब्रेड लिया है, इसको फ्राई कर लूंगी। अब मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर लूंगी। अब इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। अब इसकी दूसरी साइड मैं ब्राउन कर लूंगी। अब इसको उतार लूंगी। अब इसके ऊपर व्हाइट सॉस लगा लेंगे। अब राइट सॉस लगा लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। अब इसके ऊपर थोड़े से प्याज शामिल कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से टमाटर शामिल कर लेंगे। अब इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हमारा चिकन शोरमा तैयार हो चुका है, बहुत ही मजे का बना है। आप भी जरूर ट्राई करना। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।